subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भारतीय किसान यूनियन की बैठक संपन्न। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। जनपद ओरिया के अजीतमल में शुक्रवार को खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर में भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक आहूति की गई। यूनियन के जिला अध्यक्ष उमा शंकर राजपूत के नेतृत्व में संपन्न हुई बैठक में किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। आज ये जो जनपद औरैया में ब्लॉक भागनगर में अजीतमल में जो मीटिंग हो रही है वो हमारे किसानों की समस्याएं हैं। हमारा किसान दर्द मारा फिरता और बहुत दुखी है। इन किसानों की समस्याओं के लिए शासन ने बहुत प्रलोभन दिए थे, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद बैठ गई सत्ता पर तो उन्होंने हमारे किसानों का ध्यान नहीं दिया। अन्ना जानवरों की समस्या है, वो भी उस पर भी कोई गौर नहीं किया। किसानों को 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के लिए दिया था, घोषणा की थी, वो भी करीब 50% लोगों को मिल पाया। 50% हम भी परेशान घूमते हैं और जब भी इनके कार्यालयों में जाते हैं तो ये कार्यालय के जो संबंधित बाबू या अधिकारी हैं वो ये कह के उनको भगा देते हैं कि तुमने ये आधार कार्ड नंबर गलत लिखा है, पासबुक गलत नंबर गलत लिखा है, तथा किसानों को जो वायदे किए थे वो एक भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और जब इसी तरह से हमारा पूरा राष्ट्र परेशान है तो माननीय नरेश टकैत जी ने राष्ट्रीय आंदोलन किया है, जिसको हमें दिल्ली में हर 18 मार्च को दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा, जिसमें हमारे संपूर्ण देश के हर कोने कोने से किसान अपने परिवार सहित लाठी और डंडे झंडे के साथ जंतर मंतर पर उपस्थित होंगे और अपनी किसानों को मनवाने के लिए भारत सरकार के माननीय मोदी जी से संघर्ष होगा, बातचीत होगी। और जब तक वो हमारी मांगों को पूरा करने का ऐलान नहीं करते हैं या वो पत्र लिख करके हमको अवगत नहीं कराते हैं तब तक हम लोग वहाँ पर दिल्ली में ही आंदोलन में रहेंगे। जब तक इनकी मांगें पूरी हम लोगों की नहीं होती हैं तब तक हम लोग वापस वहाँ से दिल्ली से नहीं लौटेंगे।